नमस्कार दोस्तों, मुझे आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल फीडबैक्स चाहिए, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना और आपके जो भी रिव्यूज या फीडबैक है वो हमसे जरूर शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम, एसवाई बीकॉम या टीवाई बीकॉम में है और किसी ना किसी तरह से सास इंस्टीट्यूट के एजुकेशन के साथ कनेक्शन में आए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स सास इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड में पढ़े हैं या जो स्टूडेंट सास इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन मोड में पढ़े हैं या सास एप्लीकेशन थ्रू पढ़ाई की है, या ऐसे भी स्टूडेंट जो कि सास इंस्टीट्यूट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है बट हमारे स्टडी मटेरियल, हमारे एमसीक्यू के बुकलेट्स या हमारे यूट्यूब के जो रिविजनल वीडियोज है या स्टडी वीडियोज है वो देखा हुआ हो, तो वो सभी स्टूडेंट्स के मुझे इंपॉर्टेंट फीडबैक्स या वैल्यूएबल सजेशंस चाहिए हमारे एजुकेशन रिलेटेड। तो मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के नीचे एक गूगल डॉक्यूमेंट दूंगा जिसके अंदर आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये कि आप लोगों को जो भी मोड से आपने पढ़ाई की हो उसमें हमारे यानी कि सास इंस्टीट्यूट के क्या प्लस पॉइंट लगे, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे जिससे कि आपको आपके एजुकेशन में बेनिफिट हुआ हो, एजुकेशन में रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आया हो, वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या चीजें सास इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी भी ऐसा लगा कि सर ये चीज इतनी बेस्ट या परफेक्ट नहीं है, या हमको ये कंप्लेन है या ये सजेशन है जिसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप वो आपके फीडबैक्स इसके अंदर आपके जो नेगेटिव कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं ये भी आप दे सकते हो। आप बिना किसी संकोच के दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर मैं मेरा नाम नहीं लिखूंगा और बताऊंगा, नहीं, आप अपना नाम जरूर से लिख सकते हैं और आपके जो भी जेन्युइन रिलेटिव फीडबैक्स है, कंप्लेंस है, सजेशन है वो बेझिझक बता सकते हैं, हमको वो जानना ही है, इसीलिए तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बताइए, बेझिझक बताइए, ताकि अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि सभी आपके प्रॉब्लम्स जेन्युइन ना भी हो बट जो भी जेन्युइन सजेशंस होंगे उसके ऊपर हम लोग जरूर से एक्शन लेंगे। इवन जो स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स हैं उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो वो भी हमारे प्लस पॉइंट या हमारे माइनस पॉइंट बता सकता है। इसके साथ साथ एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें स्टूडेंट के खुद के क्या ड्रॉबैक्स है, मतलब आपको खुद को पढ़ाई करते वक्त आपके खुद की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में क्या चीजें ऐसी है जिसकी वजह से आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं, वो भी आप मेंशन करें ताकि हमें पता चले कि कौन से स्टूडेंट को किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं या कहां पर वो लोग रुक जाते हैं पढ़ाई में, तो उसके रिलेटेड भी हम आपको गाइड कर सके। मतलब हमारे रिलेटेड जो भी जेन्युइन पॉइंट्स होंगे वो तो हम लोग इंप्रूव करेंगे ही करेंगे, बट आपके साइड से भी अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है जो कि आप शेयर कर सको तो आप जरूर कीजिए। जो भी कॉमन इश्यूज होंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते होंगे उसके ऊपर भी मैं एक अलग से सेशन बताऊंगा जिसके अंदर आपके जो भी छोटे छोटे या बड़े जेन्युइन इश्यूज है उसके साथ कैसे डील करना है वो भी हम लोग आपको गाइड करेंगे, तो इसके अंदर आप जरूर पार्टिसिपेट करें। और खास बात ये कि आप अपने खुद के ओपिनियन, पॉजिटिव पॉइंट लिख रहे हो, नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हो हमारे बारे में या आप अपने खुद के बारे में जो भी लिख रहे हो वो आपको जो महसूस होता है वही लिखना है। ऐसा नहीं करना यार दोस्त तूने क्या लिखा है तो चल तेरे हिसाब से मैं लिखूं, तूने अच्छा लिखा है तो मैं वही चीज अच्छी लिखूं, तूने बुरा लिखा है तो मैं भी सेम चीज लिखूं, नहीं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है वो आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप गुजराती में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो लिखना। जो भी जेन्युइन चीजें होगी उसको हम लोग जरूर से इम्प्रोवाइज करेंगे या जो अच्छी चीज है उसको और कंटिन्यू करते रहेंगे। वैसे तो हमारी जो सिस्टम होती है उसके हिसाब से एक्चुअली में ऐसा है कि हमने सभी कोर्सेज में से 20-20 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिव्यू फीडबैक ऑलरेडी मैंने पर्सनली ले लिया है, मुझे मेजोरिटी तो पता चल ही गया है बट फिर भी अब मैं मेजर मास का, मतलब सारे के सारे हमारे जो हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सभी के फीडबैक लेना चाहता हूं ताकि मैं आप लोगों को आपके लिए जो जरूरी बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन है वो दे सकूं, आप कम से कम लेबरियस एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क करके बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सको, ये कोशिश हम लोग कर सके जो कि आपका अधिकार भी है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें और आपके जो भी मन में डाउट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, सजेशंस है वो जरूर से शेयर करें। दिस इज मी भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।